प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से चुंगी लेने वाले जक्कई की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 19 के वचन 1 से 10 में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे वहाँ से भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो आइए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु यरियो में प्रवेश करके जा रहे थे। तब वहाँ यरियो में ही जक्कई नाम का एक मनुष्य रहा करता था, जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वाले अर्थात टैक्स कलेक्टर, और जो जक्कई था वह लोगों से चुंगी के रूप में अत्यधिक धन वसूला करता था, अर्थात वह जबरन धन ज़्यादा वसूला करता था। और बाइबल दर्शाती है कि वह एक धनी व्यक्ति भी था। धनी तो वह होता ही भाइयों बहनों, जब वह लोगों से ज़बरदस्ती अधिक धन वसूलेगा तो धनी तो वह हो ही जाएगा। परंतु ध्यान दे यहाँ कि जिस धन को वसूल कर जक्कई धनी बना था वह ईमानदारी का नहीं वरन पाप से इकट्ठा किया हुआ धन था, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में एक अपराध गिना जाता है। जैसा पाप का धन एकत्रित कर जक्कई भी धनी बना, परंतु वह लोगों की दृष्टि में एक बुरा व्यक्ति गिना जाता था, अर्थात सभी उसे पापी व्यक्ति ही समझते थे। तब आगे हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि जक्कई यीशु प्रभु को देखना चाहता था कि वह कौन है, क्योंकि भाइयों बहनों मैं ऐसा समझती हूँ कि जक्कई ने पहले से ही प्रभु यीशु के बारे में सुन रखा होगा कि वह चंगाई देता है, स्वर्ग के राज्य के विषय बताता है, लोगों को मन फिराव की शिक्षा देता है। तो यह सब कुछ जानते हुए जक्कई भी प्रभु यीशु को देखना चाहता था, अर्थात उनसे मिलना चाहता था। मेरे प्रियो, यहाँ एक उत्तम बात भी हम जक्कई के जीवन में देख पा रहे हैं कि चाहे जक्कई कितना भी बुरा व्यक्ति था, लालची था, अत्यधिक धन लोगों से जबरदस्ती वसूला करता था, परंतु फिर भी उसके भीतर मन में यीशु को देखने की, या यह कहें कि प्रभु से मिलने की एक चाहत थी, एक जिज्ञासा थी, और यही चाहत उसके जीवन में फिर उद्धार का कारण भी बनी। कैसे, आगे हम देखते हैं। तब जक्कई को यह पता चला कि यीशु उसी मार्ग से गुजरने वाले हैं जहां जक्कई था, तो बाइबल दर्शाती है कि वहां अत्यधिक भीड़ थी जो यीशु को देखने के लिए वहां खड़ी थी। परंतु बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, जो कि भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख पा रहा था। तो जक्कई ने एक मार्ग अपनाया यीशु प्रभु को देखने का। जक्कई वहां आगे बढ़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, ताकि जब प्रभु यीशु और उस मार्ग से निकले तो वह उन्हें देख पाए। मेरे प्रियो, यहां जरा रुक कर हम एक विशेष बात को सर्वप्रथम देख लेंगे, जो कि यह है कि जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, अर्थात उसकी हाइट बहुत कम थी। यह नाटापन जक्कई की एक खामी थी, जिसके रहते उसे बहुत सी दिक्कतों का व शर्मिंदगियों का सामना भी करना पड़ता होगा। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि जक्कई की यही खामी, यही नाटापन उसे प्रभु से मिलने से व उसे देखने से नहीं रोक पाए, अर्थात यह कि जक्कई की प्रभु को देखने की तीव्र इच्छा के आगे यह नाटापन बाधा नहीं बन पाया। जक्कई ऐसा भी सोच सकता था कि मैं तो नाटा हूँ, इस भीड़ के होते हुए मैं कभी भी यीशु को नहीं देख पाऊँगा। परंतु हम यहाँ देख सकते हैं कि जक्कई ने वहाँ ऐसा कुछ भी अपने मन में नहीं सोचा, वरन यीशु को देखने की इच्छा में उसने एक मार्ग खोज लिया कि वह वहाँ पेड़ पर चढ़कर वह यीशु को देख पाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम मनुष्य के जीवनों में भी ऐसा होता है कि हम अपनी खामियों में, अपनी कमजोरियों में इतना डूब जाते हैं कि उन कमजोरियों को अपने ऊपर इतना हैवी कर लेते हैं कि हम डिप्रेशन तक में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम तो अच्छे दिख नहीं रहे, या हम कमज़ोर हैं, या हम में यह कमी है, तो हम फिर यह काम कैसे कर पाएंगे इत्यादि। या दूसरी बात मैं कहूँ तो कभी कभी हम बहाने लगाते हैं कि हमें चर्च जाने का टाइम नहीं मिलता, हमारी जॉब के कारण, या बच्चों के कारण,
या किसी फैमिली फंक्शन के कारण हम चर्च नहीं जा पाए, इस प्रकार के एक्सक्यूजेज मनुष्य देता रहता है यीशु से ना मिलने के। परंतु यहाँ हम जक्कई के जीवन से एक विशेष बात देख सकते हैं कि कोई भी शारीरिक कमजोरी, कोई भी आत्मिक कमजोरी उसे प्रभु से मिलने से नहीं रोक पाई, वरन उसकी मन की इच्छा जो थी प्रभु को देखने की, कि वह उसमें विजयी भी हुआ। क्योंकि बाइबल भी स्पष्ट करती है कि ढूंढोगे तो ही पाओगे। इस वचन को पूरा होते हुए हम जक्कई के जीवन में भी देख पा रहे हैं, उसने प्रभु को पूरे मन से ढूंढा भी और पाया भी, जैसा हम आगे भी देख सकते हैं। जब जक्कई वहां गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, तब जब प्रभु यीशु उस मार्ग पर पहुंचे, तो प्रभु यीशु ने वहां ऊपर दृष्टि की और जक्कई को देखकर कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है। हालेलुया। क्या अद्भुत दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं कि एक तो यह कि जक्कई ने प्रभु को देखने की चाह रखी और उसकी चाहत का प्रतिफल उसे यह मिला कि प्रभु ने आप ही ऊपर दृष्टि कर जक्कई को देखा तथा उसे उसके नाम से भी पुकारा, जबकि जक्कई कभी पहले यीशु प्रभु से नहीं मिला था। तो कैसे फिर प्रभु ने उसे उसके नाम से पुकारा? क्योंकि भाइयों बहनों, बाइबल स्पष्ट करती है और वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है और कहा कि तू मेरा ही है। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वह प्रत्येक मनुष्य को उसके नाम से, उसके मन से पहचानता और जानता भी है। जैसे प्रभु ने जक्कई का नाम भी लिया और उसके मन की इच्छा व चाहत को भी पहचाना और कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है। घर अर्थात उसके हृदय रूपी घर में, जिससे वह अपने मन के सभी पापों से पश्चाताप कर मन फिराव करे। तब आगे हम देखते हैं कि यह सुनते ही जक्कई झट उतर आया और प्रभु को आनंद से अपने घर ले गया। आनंद एक शब्द यह प्रकट करता है यहाँ कि जिस घर में, जिस जीवन में प्रभु यीशु आ जाए तो वह आनंद व शांति खुद ब खुद ही चली आती है। जैसे जक्कई के जीवन में धन तो था परंतु आनंद व शांति नहीं थी, जो कि उसे प्रभु के आ जाने के बाद मिली। तो मेरे प्रियो, सर्वदा ध्यान रखें, आप भी चाहे कितना भी धन एकत्रित कर ले, वह धन आपको बैठ तो दे सकता है परंतु शांति की नींद नहीं, वह आपको आनंद व शांति की नींद प्रदान नहीं कर सकता, जो केवल और केवल प्रभु यीशु ही आपको दे सकते हैं, सच्चा आनंद व सच्ची शांति, जैसे जक्कई को भी आनंद मिला। तब आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु जक्कई के साथ उसके घर गए, तब वहां खड़े कुछ यहूदी लोग यह देखकर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। क्योंकि भाइयों बहनों, कहने को तो यहूदी प्रभु के पीछे चलते थे उसे सुनने के लिए, परंतु उनमें मन फिराव कुछ भी नहीं था। जैसे आज भी बहुत से मनुष्य होते हैं, कहने को तो चर्च जाते हैं परंतु जब कोई पापी व्यक्ति सुधरने लगता है तो उसके लिए तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तब इसी प्रकार वे मनुष्य भी कुड़कुड़ाने लगे। परंतु तब आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु जक्कई के घर में आ गए, तब जक्कई ने वहां खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय से वसूला है तो वो भी उसे मैं चौगुना लौटा देता हूँ। हालेलुया। तब वहां प्रभु यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने व उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। क्या सच्चा मन फिराव व पश्चाताप हम यहाँ इस वचन में देख पा रहे हैं जक्कई के जीवन में, कि जैसे ही प्रभु जक्कई के घर में आए, तभी जक्कई ने प्रभु के बिना कुछ कहे अपने समस्त बुराई के कामों से मन फिरा लिया और अपना उद्धार भी प्राप्त कर लिया। क्योंकि वहाँ कहीं नहीं लिखा कि प्रभु ने जक्कई को पहले कुछ सिखाया हो मन फिराव के विषय या उपदेश दिया हो, नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वरन यीशु के उसके घर में आ जाने मात्र से ही जक्कई ने मन फिरा लिया। यही है हमारे प्रभु के हमारे जीवनों में आ जाने की सामर्थ्य। परंतु आज कलीसिया में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो प्रति सप्ताह प्रचार सुनते हैं
परंतु फिर भी अपने संपूर्ण पापों से मन नहीं फिराते, बल्कि उनमें लगे ही रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह एक गलत निर्णय होगा। हमें प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर अपनी सभी बुराइयों से मन फिराना चाहिए, जैसे जक्कई ने भी किया। और लिखा है वहाँ कि प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य खोए हुओं को ढूंढने व उनका उद्धार करने ही आया है। मेरे प्रियो, अब से पहले जक्कई के घर में केवल धन संपत्ति थी, ना तो आनंद ही था ना ही उद्धार, जो प्रभु यीशु के आने के बाद उसे मिला। तभी तो उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी, जो उसने जबरन पाप से वसूली थी। वही धन उसे शांति, आनंद व उद्धार नहीं दे पा रहा था, जो कि प्रभु के आने के बाद उसे मिला। जक्कई भी एक पाप में, अपनी खामी में, अपनी कमजोरियों में खोया हुआ और भटका हुआ एक व्यक्ति था, जिसे प्रभु ने ढूंढ कर उसका मन फिराव भी किया तथा संपूर्ण उद्धार भी। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से मनुष्य पाप की गुलामी में खोए हुए हैं, जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं और अपनी खामियों में व कमजोरियों के गुलाम बन उसी की अधीनता में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो आज प्रभु उन्हें कहता है कि यदि तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे, ये तो तुम मुझे अवश्य पाओगे। यदि तुम अपने संपूर्ण हृदय से अपने हृदय रूपी घर में मुझे बुलाओगे, तो मैं तुम्हारे हृदय में वास करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा तथा तुम्हें सच्चा आनंद व शांति भी दूंगा। और यदि तुम आज पाप की गुलामी में, अपनी कमियों में, अपनी कमजोरियों में खो गए हो, तो आज मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा संपूर्ण उद्धार भी करूंगा। हालेलुया। क्योंकि भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि प्रभु आया ही पापियों का उद्धार करने हैं, उन्हें मन फिराव की आत्मा देने हैं। जैसा वचन भी कहता है कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। जैसा प्रभु ने जक्कई को बुलाकर उसका उद्धार भी कर दिया। तो मेरे प्रियो, इस संपूर्ण कहानी से हम कुछ गहरी बातों को सीखते हैं। एक तो यह कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजना चाहिए, तभी प्रभु हमें मिलता है हमारी मन की इच्छा को जानकर। और दूसरा यह कि हमें अपनी कमजोरियों या किसी अन्य संसारिक कारणों को बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम कैसे प्रभु से मिलें या कैसे चर्च जाएं इत्यादि। यह केवल एक बहाना ही है जो शैतान की ओर से हमें प्रभु से मिलने को रोकता है। हमें अपनी हर कमजोरी को पीछे करके, अपने बहानों को पीछे करके प्रभु तक पहुंचने का उत्तम मार्ग तलाशना चाहिए, तभी प्रभु की दृष्टि भी हम पर पड़ती है। जैसे जक्कई ने अपने नाटेपन को आड़े नहीं आने दिया, वह प्रभु को देखने पेड़ पर चढ़ गया और फिर प्रभु की दृष्टि खुद ब खुद उस पर पड़ी और प्रभु ने फिर उसका नाम लेकर उसे बुला लिया और उसका पूरा पूरा उद्धार भी किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यही काफी है कि प्रभु हमें हमारे नाम से पहचाने व पुकारे, इसी में हमारा उद्धार छिपा है। क्योंकि जब प्रभु हमें पुकार लेंगे और फिर हम भी प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करेंगे, तो निश्चय ही हमारा जीवन ही बदल जाएगा व हम शांति व आनंद से भर जाएंगे। जैसे प्रभु ने जक्कई को उसके नाम से पुकारा और कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है, तो हम देखते हैं वहाँ कि जक्कई ने भी आनंद के साथ प्रभु का अपने घर में स्वागत किया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो बस आपको देखना ही चाहता था, आप क्यों मेरे घर आना चाहते हैं, या मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, वहाँ उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वरन यीशु का अपने घर में स्वागत किया, तभी उसने उद्धार को भी प्राप्त किया। मेरे प्रियो, आज लोग चर्च तो आना चाहते हैं चंगाई पाने, भरपूरी पाने, चिन्ह और चमत्कार पाने, परंतु यीशु प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए वह उस अनंतकालीन उद्धार से भी वंचित रह जाते हैं। भाइयों बहनों, स्मरण रखें, उद्धार केवल यीशु को स्वीकार करने पर व मन फिराने पर व पश्चाताप करने पर ही मिलेगा। चंगाइयां व चिन्ह और चमत्कार करना तो प्रभु का स्वभाव है, वे किसी को निराश नहीं करता, परंतु उद्धार केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो सच्चे मन से उसे ढूंढे, पश्चाताप करे, मन फिराए, जैसे जक्कई ने भी किया और अपना उद्धार भी पाया, जो उसे धन और संपत्ति नहीं दे पाई, केवल यीशु ही दे पाया सच्ची शांति, सच्चा आनंद व अनंतकालीन उद्धार भी,
क्योंकि उसने संपूर्ण मन से प्रभु को देखना चाहा था, उनसे मिलना चाहा था, और उसी आदर से उसने प्रभु का स्वागत भी अपने घर में किया। भले ही वह एक पापी व्यक्ति था, परंतु उसके हृदय में प्रभु को देखने की और उनसे मिलने की एक चाहत थी, और उसी चाहत ने उसके जीवन को बदल डाला, उसे उद्धार दिया, मन फिराया और अनंतकालीन जीवन का वारिस बना दिया। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संपूर्ण जीवन संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।